इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है। बिक्रमगंज शहर के सब्जी मंडी में जमकर सोशल डिस्टेंस की उड़ाई जा रही धज्जियां। इसका प्रमुखता से लगातार खबर दिखाने का हुआ असर। सब्जी मंडी को राजीव गांधी मैदान में किया गया हस्तांतरित। लगातार खबर दिखाने के बाद नगर प्रशासन ने लाउडस्पीकर के माध्यम से अलाउंस कराया कि कोरोना काल को देखते हुए सब्जी मंडी को राजीव गांधी में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया, जिसका अनुपालन करते हुए कुछ सब्जी बेचने वाले किसान राजीव गांधी मैदान में सब्जी बेचने तो आ गए, लेकिन जो दबंग प्रवृत्ति के सब्जी बेचने वाले हैं वे राजीव गांधी मैदान में नहीं आए और नगर प्रशासन की लापरवाही से प्रतिदिन जैसा अपनी दुकान उसी पुराने जगह पर ही लगा रहे हैं। इस संबंध में किसानों ने बताया कि नगर प्रशासन के द्वारा हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नगर प्रशासन के द्वारा अलाउंस करने के बाद हम लोग तो राजीव गांधी मैदान में आ गए, लेकिन जो दबंग प्रवृत्ति के सब्जी बेचने वाले हैं उनके द्वारा उसी जगह पर अपनी दुकान लगाया जा रहा है, जिससे हम किसानों को सब्जी बेचने में परेशानी हो रही है और नगर प्रशासन देखने तक नहीं गया। इतना ही नहीं, सब्जी मंडी के ठेकेदार के कर्मी के द्वारा बोला जा रहा है कि आपका सब्जी बिके या नहीं बिके आपका सब्जी मंडी का रसीद कटेगा और आपको किसी भी तरह पैसा देना पड़ेगा। जब हम लोगों का सब्जी बिकेगा ही नहीं तो हम लोग रसीद का पैसा कैसे दे पाएंगे। किसानों ये बातें भी कहा कि अगर पूर्ण रूप से सब्जी मंडी राजीव गांधी मैदान में नहीं हस्तांतरित होता है तो हम लोग पुनः वापस उसी जगह पर अपनी दुकान लेकर चले जाएंगे। रोहतास जिला से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। में और वहाँ फड़िया वाला सब लगा रहे हैं वहाँ पर, ठेकेदार हम लोग को पैसा दीजिए, बिके चाहे ना बिके पैसा देना पड़ेगा, बताइए हम लोग कहाँ से पैसा देंगे। आप लोग के यहाँ सब्जी नहीं बिक रहा है? कहाँ बिक रहा है, देखिए 35 को हम लोग ऊपर ला के रखे हैं, सुबह 6 बजे आए हुए हैं, अभी देखिए लिट्टी हम खा रहे हैं घर से ला करके, यहाँ ना मार्केट में कुछ मिलता है। वहाँ पुराना जगह पर भी अभी लग रहा है? हाँ अभी लग रहा है, यहाँ से यहाँ तो सब्जी खरीदने वाला कोई है केवल बेचने वाला है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा विजेंद्र प्रसाद सिंह नाम है। कहाँ घर है? कस्तर महादेव। आप लोगों को राजीव गांधी मैदान में सब्जी बेचने में क्या परेशानी है? यहाँ परेशानी इसलिए है कि वहाँ कल अनाउंस किया गया था कि सब्जी मंडी यहीं लगेगा, आधे लोग वहीं रह गए और आधे लोग यहाँ पर आ गए। प्रशासन बोला कि मंडी यहाँ लगेगा, प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पर जाकर बोले कि हाँ सब सभी लोग यहाँ पर आए। प्रशासन क्यों वहाँ नहीं गया? सब लोग सब्जी लेकर घर लेकर जा रहे हैं, यहाँ सब्जी बिक नहीं रहा है, कोई ग्राहक नहीं है, आधा से अधिक लोग ग्राहक वहीं पर हैं, हम लोग सब सब्जी लेकर घर जा रहे हैं। यहाँ सब्जी नहीं बिक रहा है? यहाँ सब्जी बिक आ रहा है। रेट का क्या है सब्जी का? सब्जी का रेट सब सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है, इसका मोल नहीं मिल रहा है। धूप में यहाँ सब किसान पुराने बाजार में जो बिक रहा है उससे अधिक है या कम है? क्या पुराने बाजार में जो सब्जी यहाँ बिक्री बहुत कम है, क्योंकि आधे लोग से ज्यादा वहाँ पर हैं। लोग अनाउंस किया गया कि यहाँ पर सब लोग आए, आधा से अधिक लोग वहीं पर हैं, यहाँ ग्राहक भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है, धनगाई से। यहाँ 10 के 2.5 किलो वहाँ 20 रुपए किलो नीना बिक रहा है पुराने बाजार में। अच्छा, यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। क्यों? यहाँ जिसका सुविधा बाजार है, लेकिन यहाँ के लिए कल बोला गया था बाजार लगेगा, नहीं लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भालू सिंह। घर? भालू। घर कहाँ है? घर है मुक्तिगंज बच्चा। यहाँ सब्जी नहीं बिक रहा है? क्यों? क्यों यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं, सब वहाँ पे बिक रहा है। अभी दोनों जगह मार्केट चल रहा है, यहाँ पे एक भी सब्जी नहीं बिका, सब के सब वैसे पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी आप अधिकारी को दिए हैं? ठेकेदार तो कह रहे हैं कि हम दे दिए हैं। ठेकेदार दिए हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? बंशीधर सिंह। कहाँ घर है? सिकरिया।